थी उसी तरह की अभी परफॉर्मेंस भी स्टार्टिंग में बहुत पावरफुल थी, मजा आ गया। बीच में थोड़ा सा फिर थोड़ा सा हटके अलग से हुए, लूज हुए, फिर दोबारा लूज हुए, फिर पावर आई, फिर लूज हुए। एनर्जी को उस तरीके से स्टोर करो कि तुम एनर्जी अपने सर पे जितनी एनर्जी लगानी है उतनी लगाओ। कोई भी एनर्जी लगा दे ना, मैं डिक्रम कर रहा हूँ, ठीक है, इसमें 100% एनर्जी नहीं है, डिग्री के 100% मैं लगा रहा हूँ 20%। तो इस तरीके से डांसिंग अंदर एक चीज लाओ, ठीक है, कोरियोग्राफी भी करो। जैसे बॉस है तुमने बीट सिक्स के अंदर रिमिक्स करा है, तो उस रिमिक्स को शो अप करने के लिए कुछ बॉस चेक करो। सर सॉन्ग क्रिएट करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। नहीं, अच्छी बात है, सॉन्ग क्रिएट किया तुमने, इसमें टाइम में कुछ नहीं होता। सॉन्ग क्रिएट क्यों किया? क्योंकि तुम उस क्रिएशन में कुछ करो ना नया, कुछ उसमें कुछ नया करने की सोचे थे, तुम वो नया दिखा नहीं, उस क्रिएशन में नया करो उसको, ठीक है। बाकी और बोले सर, और थैंक यू सर। सचिन, यस सर, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपने, थैंक यू। ये कोरियोग्राफी किसने कराई आपको? समीर भैया। समीर भैया, आपने अच्छे से निभाया है कोरियोग्राफी को, यस सर, मजा आ गया। स्टार्टिंग में थोड़ा एनर्जी ज्यादा थी आपकी, बाद में थोड़ी डाउन हो गई, और मेरे को लगा तुमने म्यूजिक में कोई भी बीट छोड़ी होगी, सारी पकड़ के तोड़ दिया तुमने, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम ध्यान थोड़ा, ओके। और हाँ, ये परफॉर्म में तुमने शर्ट क्यों पहना था? सॉरी सर, कुछ दिख ही नहीं रहा था, और शूज भी नहीं पहने आपने। सर नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा। जब भी कभी ऐसा परफॉर्म करो ना, तो कोशिश करो कि टी शर्ट वगैरह हो, ठीक है, अगर आप शूज एंड टी शर्ट पहन लेते ना मजा आ जाता। थैंक यू सचिन सर। बीट की नॉलेज बहुत है आपको, है जिस तरीके से आप बीट तोड़ रहे थे, बीट के साथ खेल रहे थे, लेकिन एनर्जी स्टार्टिंग में अच्छी थी, पर धीरे 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 लूज हो गई, फिर एंड में ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पूरी चल रहे हैं, समझ रहे हो आप जो बनना चाहो, तो ना एनर्जी लेवल बढ़ाए। सर नेक्स्ट टाइम से ही होगा। ओके, और शूज पे फोकस करना, शूज जरूर पहन के करूंगा, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। ओके।